पर इस कहानी की शुरुआत मानिकपुर गांव से होती है, जहां पर एक आर्मी मेजर पारस गुप्ता की पत्नी क्रांति देवी 9 महीने की प्रेगनेंसी में दर्द से तड़प रही थी। मानिकपुर मेरे गांव श्रीनगर से बहुत करीब है, जहां पर राम कुमार वर्मा नाम का एक दबंग बाहुबली रहता है। मैं लल्लू बोल रहा हूं, मैं फंस गया हूं। राम को मेरा पता चल गया है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेंगे। मैं पीछे वाली गली में मंदिर के भैया जी मुझे माफ कर दो। अगर भरोसा हो जाए तो दुश्मन को भी माफ कर दो। अगर मेरा भाई भी गद्दार हुआ तो वो भी मुझसे बच नहीं सकता। राम कुमार वर्मा आया तो था इस गांव में जान लेने, लेकिन उसने मौत से जूझते भूमि और उसकी माँ की जान बचाई। इसे कहते हैं विधि का विधान। जो बच्चे का नाम रखता है बच्चा उसी की तरह हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चा हमारी तरह खूंखार हो जाए। इस बच्चे को धरती की तरह शांत और दयावान होना चाहिए, इसलिए इसका नाम होगा भूमिनाथ। ए भूमि, तुम इसे मिटा क्यों रहे हो? क्योंकि किसी ने मेरे नाम के साथ किसी लड़की का नाम लिख दिया। ये भी तो हो सकता है वो तुमसे प्यार करती हो। अच्छा, ये बात है क्या? मुझे लग रहा है ये तुम्हारा काम है। हाँ, अनामिका वो किस क्लास में पढ़ती है? हेलो, भूमि बचपन से ही ऐसा था, लड़कियाँ उसकी दीवानी थी पर वो हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता। क्या बात है भूमि, यहाँ सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनना चाहते हैं और तुम हो के श्रीनगर के रामकुमार वर्मा जैसा बनना चाहते हो? हाँ मास्टर साहब। बच्चा शांत स्वभाव का हो इसीलिए राम कुमार वर्मा ने उसका ऐसा नाम रखा था, पर भूमि तो मजा आ रहा है ना? ये आइटम डांस क्यों कर रही है? नेक्स्ट भूमि। वाह क्या झकास है, इधर भी कोई भूमि नाम का टपोरी है क्या? वो कोई और नहीं तू ही है। अरे क्या मेरी बहन की शादी करवानी है? Oh!
15% कमीशन मैंने ले लिया है, बाकी सब तेरा है। छोटे ये सारा पैसा अपनी बहन की शादी के लिए ले जाए, और आज के बाद तेरा थोबड़ा मत दिखाना आप उनको। मंडल आभारी है। माँ अपुन आ गया। आ गया, मिल गई फुर्सत, कहाँ था इतने दिन? अरे अपुन बताया तो था ना, अपना फ्रेंड शिवा की बहन की शादी में गया था। शादी तो दिल्ली में थी ना। हाँ। तो बैंकॉक क्यों गया था? बहू अब तक तो तुम्हारा बेटा सिर्फ मोहल्ले में गुंडागर्दी करता था, अब विदेशों में जाकर यही करता है। अरे जानल ढंग से खड़ा रहे। ये जो कह रहे हैं वो सच है बेटा? हाँ माँ ये सच है। शाबाश बेटा, आज ये खेल से पैसा कमाने के लिए लड़ने गया था, कल ये पैसा कमाने के लिए लोगों की जान की सुपारी लेता फिरेगा, यही किस्मत है हमारी। बच्चा उसी पर जाता है जो उसका नाम रखता है। कहा? हाँ मैंने। ऐसी बात नहीं है, अब वो बिल्कुल सुधर गए हैं, उनके गांव वाले तो उनकी पूजा करते हैं। और अब वही आदमी उसे सुधार सकता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, अब मैं उसकी ये गुंडागर्दी वाली हरकतें घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितना ट्रेन का भाड़ा यहाँ तक आने का नहीं लगा, उससे ज्यादा रिक्शा का लग चुका है। यही है क्या? यही है वो शाना का घर। शाना नहीं भूमि जी, बोल मुंह संभाल के बात कर, अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा तो मैं उसकी मूंछ नोच लूंगा। ब्लैडी रास्ता। ये घर नहीं मंदिर है, स्वर्ग लोक जैसा नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर है। जय हो। ये जमा थोड़ा। बापू लगता है तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त आया है। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड बनना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड तो आप हैं। अबे कुत्ते को दूर रख। नहीं मैं हूँ, तुझे बता देना कि मैं तुझसे भी वफादार हूँ। चलो मिलकर इन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझाते हैं। अरे शोर कैसा, कौन ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मेरी इतनी तारीफ। तेरे को बुलाना खड़ा हो गया। अपुन का असिस्टेंट बनने के लिए तू आया है? ठीक समझा आपने बॉस, मैं आपके लिए घोड़ा कुत्ता बैल सब कुछ बनके दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। आई विल बी इंडियन बॉर्न, और सबके हक्के बक्के और छक्के छुड़ा दूंगा। अब खड़ा क्या है, भगा इसे। भगा वरना मैं भगा रहा हूं। ये साला उल्लू का पट्टा अपने गले की घंटी बन जाएगा। चल 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 निकल। अरे बॉस इनके सामने तो मेरी इज्जत मत उतारो। चलो बाहर चलते, शायद बॉस आपने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। मैंने इस कुत्ते कोई खास ट्रेनिंग दी है, पूरे 3 साल में मैंने इसे बॉल पकड़ना सिखाया है, ऐसा बॉल कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए ना मूना हाजिर है, ले कुत्ते पकड़। वाओ वाओ वाओ, एंड ही हैज कॉट द बॉल, वेरी गुड, शाबाश। देखा बॉस, ऐसा बॉल लाने की ट्रेनिंग कोई भी कुत्ते को कोई भी माइक हलाल कुत्ता नहीं दे सकता। बॉल लाने की ट्रेनिंग में तूने 3 साल गवा दिए, इससे तो अच्छा तो खुद कुत्ता बन जाता। अरे ये तलवार का क्यों निकाली? इससे पहले मैं जहाँ काम करता था उसकी मुझे मुझसे भी बड़ी थी, उसी ने इसी तलवार से काट के उसे छोटी कर दी। मेरे पहले बॉस बिल लादेन ने मुझे ये कुकरी दी, और उन्होंने ही मेरे काम से खुश होकर मुझे ये लड्डू भी दिया। ये क्या है? बम। इसको एक झटके में खोलोगे और ये बम का गोला फटके सबका डब्बा गोल कर देगा। अच्छा इसको निकालो। क्या कर दिया? अरे मैं अभी तो फेंक देना, अपन फटेंगे। क्या हुआ? दरवाजे पर कोई है। भाई साहब ये लिफाफा कैसा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है क्या? हाँ, प्रोटेक्शन ड्यूटी। श्रीनगर के राम कुमार वर्मा की जिंदगी को खतरा है, इसलिए मुझे श्रीनगर जाना ही होगा। क्या कहा? उनकी जिंदगी को खतरा है? सच्ची? मैं उसे जैसे ही ये बात बताऊंगा वो प्रोटेक्शन लेने से इनकार कर देगा, तो गवर्नमेंट उसकी बात मान लेगी और मुसीबत मेरे सर से उतर जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? कैसे पुलिस वाले हो तुम? दूसरों की जान बचाना तुम्हारा फर्ज है और तुम कल्टी मार रहे हो। लाओ ये ऑर्डर अपन को दो, अपन जाके देखते हैं। ये तुम जैसे टपोरियों का काम नहीं है, पुलिस वालों का काम है। तुम्हारी गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है? उनको बचाने का ना, तो तुम उधर मत जाओ, अपन जाके सब संभाल लेगा। हे
तू वहाँ जाने की बात कर रहा है, पहले अपनी भाषा तो सुधार। भाषा? आज अपुन और माँ जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। अब उनकी जान को जब खतरा है तो आप उन घर में चूड़ी पहन के चुपचाप नहीं बैठ सकता। आपने वो लेटर उसे क्यों दे दिया? अगर उसे शक हुआ उसने पढ़ लिया तो? वो जिस पर भरोसा करता है उस पर शक बिल्कुल नहीं करता है, यही तो खासियत है हमारे भूमि की। बोलो बोलो टिकट बोलो। आराम से बैठो। ओ चुप हो जा। मैं गोद में बिठा लूंगी। अरे चिंता मत करो। अरे आओ ना, गोद में बिठा लूंगी। अरे क्या सोच रहे हैं, इधर आइए। छिपा हुआ मेरा पूछ है, मैं पुलिस कमिश्नर के साथ किसी पूछ वाले को प्रोटेक्शन देने जा रहा हूं। मैं अकेला दिखता हूं लेकिन अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये पुलिस कमिश्नर है, देखो आपका सर पकड़ेगा। अरे किसे प्रोटेक्शन देने जा रहे हो? बार वर्मा है जिससे सब लोग डरते हैं, तुम भी मैं भी इसका बाप भी। सोचो अगर वो उसकी हिफाजत करने जा रहा है तो ये खुद कितना स्ट्रांग होगा। मैं तुम सब पे आज तक कल तक परसों तक केस करूंगा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कौन है, नहीं तो मैं आपकी टिकट नहीं काटता। चल चल। चलो तब। आइए आइए, धक्का मत दीजिए। ये भी पकड़ा। अगर आइंदा से अपने को फॉलो किया ना तो। मलिका, मीरा को देखा क्या? हाँ ऊपर है। मीरा, मीरा। हाँ, कहाँ है तू? बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? किसने? तेरे पापा की जिंदगी खतरों से घिरी है ना, इसीलिए वो बॉडीगार्ड उनकी हिफाजत के लिए आया है। कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? बेवकूफी की? ये मेरे पापा ने बताया। जो सब नींद में चलते हैं और बड़ी बड़ी हांकते हैं। यही है राज सम्राट पैलेस, अंदर आइए। श्री राम कुमार वर्मा बचपन से ही यही खेले पढ़े और बड़े हुए। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, दुबई शिकार पर गए, शाम की फ्लाइट से वापस आने वाले हैं। तब तक मैं यहीं पर कराटे। चाचा जी, अलार्म बज गया क्या? हाँ। ये है उनकी धर्म पत्नी देविका मैडम। प्रणाम। और इन्हें मालिक की हिफाजत के लिए सरकार ने भेजा है, इनका नाम है मोहन राज। जी नहीं, भूमिनाथ। नहीं, मैं चंद्रकांत। नहीं, इनका मैं... जाबाज मैनेजर। मेरी इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता खराटे। बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है जब उनका कोई दुश्मन ही नहीं है? किस बात की प्रोटेक्शन दी जा रही है? चंद्रकांत, क्या हुआ, अलार्म बज गया क्या? क्या उनका कोई दुश्मन भी है बॉडीगार्ड? वैसे खतरा सिर्फ शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनों से भी तो हो सकता है ना। ओ घर देख लो, ये घर का सबसे महंगा हॉल। ये वो बॉडीगार्ड। हाँ बेटी। कौन बेटी? मालिक की बेटी मीरा। मीरा, ये तो मुझे मीरा समझ रहा है, तो समझने दी। अरे चाचा जी। बड़ी जल्दी अलार्म बज गया, आ जाओ। ये है आंगन। ये बताओ, बॉडीगार्ड ऐसा होता है क्या? ये तो घर ऐसे देख रहा है जैसे ऐसे खरीदने वाला हो। ये क्या कर रहा है? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ एक मक्खी तो क्या एक लाल वाली चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, खराटे मारने के। चाचा जी। कौन है? कौन है? अलार्म कौन बजा कर गया है? कौन है? हेलो,
तुम मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? इस वक्त आपके चेहरे पर एक बजा है ना, इसलिए। वाह! तुम्हारे हाथ में तीर? ये कहां से उड़कर आया? अब ये कहां से निकला? बॉडीगार्ड तो होता है बहुत वीर, इसने निकाला है मेरा तीर। काफी स्मार्ट है ये। अच्छा तो मैं मालिक से मिलने हवाई अड्डे जाता हूँ। हाँ जाओ खराटे मार के। तुम कौन? अरे ये तो वो, हम मीरा की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो तुम फैक्ट्री की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? हम तो बस तुम्हें देखने के लिए आए थे। मैं क्या सर्कस का जोकर हूँ? नहीं, हमने कभी सचमुच का बॉडीगार्ड नहीं देखा ना, तो सोचा। मेरी खिंचाई कर रही हो? सुबह से कोई नहीं मिला। अच्छा मीरा जी, आप इस कंपाउंड के अंदर फालतू लोगों को आने मत दीजिए, खासकर काम के वक्त। अरे हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? ये यूनियन लीडर है क्या? मेरे साथ अगर चू चपड़ की ना तो सीधा ठोक दूंगा। लग गई, इनकाउंटर 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 का इनकाउंटर। पीला पीला पहनकर इसने मुझे देख तो नहीं लिया, लगता मैं इंडियन गेम बोर्ड नहीं बन पाऊंगा। कहाँ गया? Yes, इधर क्या कर रहा है तू? आपकी सेवा के लिए तो आया हूँ। मिस्टर राम अपने बेटे के साथ प्लेन से आ रहे हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा एक बात बता, बरसात तो नहीं हो रही है? ये बरसाती मेंढक जैसे क्यों घूम रहा है? बरसाती मेंढक नहीं बॉस, ये मेरे दिमाग की खोज है। जेम्स बॉन्ड से भी एडवांस, ये मैग्नेटिक ड्रेस है। क्या बोला? मैग्नेटिक ड्रेस? यस सर, इसकी खूबियां सुनकर आप मैड हो जाएंगे। इस ड्रेस से आकर सारे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी, इससे आप और मैं मिस्टर राम कुमार वर्मा को बचा लेंगे। ये तो होना ही था। मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट नंबर 6815A उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोलिए सर, राम कुमार वर्मा आ गया है, मार दो उसे। ठीक है सर। मालिक, क्या वो दिख नहीं रहा? दिखाई नहीं देता, पीछे ही तो है। मैं कार्तिक की बात नहीं कर रहा, वो बॉडीगार्ड किधर है? क्या कहा? हाँ मालिक, वो आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आपसे मिला नहीं क्या? चेहरा धोकर आओ, हमेशा नींद में चलता है। नींद में चलता जरूर हूँ, लेकिन बात होश में करता हूँ। सच में यहाँ आपका बॉडीगार्ड आया है? बॉडीगार्ड? जी हाँ। हमें क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? पापा आपकी जिंदगी को खतरा है, वो एक चिट्ठी भी लाया है। जी हाँ, इसीलिए हमने उसे मेहमानों वाले कमरे में ठहराया। तुम लोग को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? किसी अरे गहरे पे यकीन करके तुमने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी? ए, अब अलार्म नहीं, नहीं जाग रहा हूँ, बताइए ना। हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसे आते ही वापस भेज दो, समझ गए ना? जी समझ गया।
बस ऐसे ही बोलते हैं, उसे मत भेजना। हम लड़कियों को भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। पापा से मैं बात करूंगी। बाप चाहता है चला जाए, बेटी चाहती है यहीं रहे। ये सुन के मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ हेलो यूनियन लीडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम के बाद घर नहीं जाती क्या? गई थी, मालकिन ने वापस बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मालकिन का कमरा तो उस तरफ है, यहाँ तो मीरा जी के भाई का कमरा है। वो बात देखो, बहाने मत बनाओ। जानती नहीं, औरत उसकी कमजोरी है, उसी की वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा, अब जाकर वापस लौटा है। कहीं तुम भी उसके झांसे में आ गई तो? क्या कहा तुमने, औरत उसकी कमजोरी? और क्या, विद्यालय में यहाँ उसने विद्यालय में 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती बना दिया था, और जब उन लड़कियों के बाप ने उसे पकड़कर उससे शादी करवानी चाही तो हमारे मालिक ने उसे बचाकर वहाँ से फौरन दुबई भेज दिया। हाँ, इतनी सारी बातें एक बॉडीगार्ड को कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड कोई ऐसे ही बन जाता है? एक बॉडीगार्ड जहाँ भी जाता है अपने शत्रु और मित्र का संपूर्ण जीवन चरित्र प्राप्त कर लेता है, तभी तो अपने मालिक के शत्रु से निपट पाता है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो हमें और ताकत लगाकर शत्रु से निपटने के तरीके ढूंढने होंगे। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ताकत का इस्तेमाल जानवर करते हैं जिससे वो दूसरों पर राज कर सके। और इंसान? इंसानों के लिए तो ताकत नहीं, प्यार ही काफी। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रात को ही अपना प्यार का लेक्चर देना बंद कर दोगी और यहाँ से चलती बनोगी। शुभ रात्रि। हे कार्तिक। हाँ आओ मीरा। तुमने एक लड़की को धोखा दिया हा? और फिर उससे भागकर दुबई चले गए, क्यों? ये सब तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने खुद फोन करके मुझे बताया। छोड़ो, झूठ है, कोई तुम्हें बहका रहा है मीरा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अभी के अभी उस लड़की को फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ। मीरा मेरी बात सुनो। उसे बुलाऊं क्या? रुको सुनो। वेकेशन मनाने फिर से दुबई जाएगा, सुधरेगा ही नहीं। मैं इसे संभालूंगा। ये तुमने क्या किया? ये मेरा भाई है। हैं? रामकुमार वर्मा की बेटी मीरा, मेरा भाई। कार्तिक भैया। कार्तिक भैया। भागो। इससे पहले कोई देख ले भाग जाओ। कार्तिक भैया, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। क्या हो रहा है? मीरा? तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, भागो। मीरा 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 ये क्या हो? कार्तिक क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके पानी लेके आओ। कार्तिक कार्तिक ये लीजिए, मुझे मारो। आपको फूल लेकर क्या हुआ है? कोई बम धमाका हुआ क्या? ये कार्तिक का आवाज किसने बजा दिया? मीरा दीदी और छोटे साहब अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अरे रे, अंधेरे में दौड़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे। ए, चुप करो, ये लोग बच्चे हैं क्या जो पकड़ा पकड़ी खेलते वक्त गिर गए? नहीं पापा, मैं गलती से नहीं गिरा, यहाँ यहाँ कोई था जिसने मुझे पीटा। किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें घर के अंदर पीटे? किसने तुम्हें पीटा, कौन था? जीवो, दरअसल मैंने दोनों को भागते हुए देखा तो इन्हें गुंडा समझकर पीट दिया। अरे रे सत्या,
सर्वनाश हो तेरा, जब मैंने तुझे घर के बाहर सोने के लिए कहा था तो मुझे मारने के लिए घर के अंदर कैसे घुसा? जानते हो इसे? ये वही है मालिक, आपका बॉडीगार्ड। नमस्ते मालिक, मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। पापा जाने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरे मजाक में सच समझ बैठा और भैया को पीट दिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अजनबी को मत रखो, देखा इसने तुम्हारे भाई को पीट दिया। ए, ये है बॉडीगार्ड की ड्यूटी। हमने कहा था ना कि हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, इसे भेज दो, काम नहीं कर सकते तो जाओ। इडियट। मालिक, मालिक, आप मेरी बात तो सुनिए। जो कोई भी हो दोबारा यहाँ वापस मत आना, नहीं तो मैं। पापा। बोलो बेटा। वो बॉडीगार्ड यहाँ से जाते जाते आपके लिए एक लेटर छोड़कर गया है। तो इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। नहीं पापा, वो कहता है कि वो आपको जानता है और उसने ये भी कहा कि आप ही ने उसका नाम रखा था, भूमिनाथ। भूमिनाथ। श्रीनगर के रामकुमार वर्मा, मैं माणिकपुर का प्रकाश गुप्ता हूँ। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे आपके पास झूठ बोलकर भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफ कर दीजिए, पर अगर ऐसा नहीं करते तो वो आपके पास नहीं आता। वो आवारा लड़कों की तरह गुंडागर्दी करता फिरता है। एक आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। हम पर एक और एहसान कर दीजिए। धन्यवाद प्रकाश गुप्ता। वो चंद्रकांत कहाँ है? उसे जल्दी भेजकर उस लड़के को बुलाओ, फौरन जाओ। Oh!
जंगल भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर तूने गांव को ही जंगली बना दिया। इसके पहले कि वो तुम्हें देखे निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मालिक मुझे लगता है हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि गलती हमारी है। कार्तिक जिस कन्या से प्रेम करता था उसने आत्महत्या कर ली। मैं इसे माफ क्यों कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी तो जिंदा नहीं हो जाएगी ना, और ना ही तेरे इस बेटे के पाप धुलेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं गलती हमारे बेटे की नहीं है। आपकी बेटी ही हमारे बेटे के लिए पागल थी, ये उसका अहंकार ही था जिसकी वजह से वो मरी। आप हमारे बेटे पे इल्जाम लगाकर हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। हम शरीफ हैं, कायर नहीं। ये हमें शांत करके आपके पास लाया है, बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं आपसे तू पर आ गया तो मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारी बेटी के टुकड़े क्यों ना करने पड़े। बस बस बस, आप अगर मुझे मारना चाहे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं अब इस घर का ऑफिशियल दामाद बन चुका हूँ। दामाद कैसे बन गया? बैंड बजा बजा के। अरे सुनो पारो, यहाँ पे आओ जरा और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कथा। दरअसल ये शुरुआत में ना मुझ पर लाइन मारा था, मैं भी इन पर लाइन मारने लगी। मालिक को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनकी शादी मुझसे करवा कर इन्हें ड्राइवर बना देते हैं। इसका स्क्रू ढीला ही नहीं, कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया स्क्रू नट बोल्ट? ए बकबक, मुंह का शटर जरा बंद रख। बॉडीगार्ड, मालिक ने याद किया है। मालिक आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं, तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी, तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक गलत मत समझिएगा, मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आ गया। चंद्रकांत, अलार्म बज गया, तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है। तो अब से इन दोनों की हिफाजत तुम करोगे। पारो इधर आ, वो पारो का होने वाला पति है जो बाहर खड़ा है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। उनकी क्या आवश्यकता है? कहावत है एक से भले दो, और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरोगे। ए जरा सुन, मीरा की सगाई हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सही कहा ना? हाँ करेक्ट है। इससे कह दो ये अपना दिमाग ना चलाए, जितना कहा जाए उतना करे। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मीरा जी जहाँ भी जाएंगे उनकी रक्षा मैं रोबोट की तरह करूंगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए स्टूडेंट को ये खबर दी जाती है कि तोपों में सबसे बड़ी तोप, इंसानों में सबसे महान मुगले आजम के जिल्ले इलाही बाजीराव सिंघम का तालियों से स्वागत करें। हेलो, हाय, उठा लो, इतना झुक मत करना पछताएगा। मेरे इतना छोटा कद और ये इतना बड़ा हाथ, साइज देख के लाना था ना। नन्नी सी जान के हाथ में इतना बड़ा थमा दिया, भेजा घर पे छोड़ के आया क्या? हाय दया, मैं तो छोटी कली से भी काम चला लेता, तू तो मुझसे जान से बड़े काम करवाएगा। चल अभी उठा के दे, चल। ये गुड़ का लाया ये हनुमान का गदा। जरा रुको, मैं चेक करके बताता हूँ।
उन्हें हंसने दीजिए, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए पहनी है। हेलो, तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गए हो ना? जी मैडम। मेरी बात तुम्हें याद है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की? कॉलेज ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ पहुँच गए मालकिन। मीरा जी और मधु अपनी क्लास की ओर जा रही है, मैं भी उनके साथ हूँ। जो आ गया मालकिन। Stupid, fool, nonsense, गधे, लेडीज टॉयलेट में तेरी कैसी ड्यूटी? सर वो मेरी नो, कुछ भी मत कहो। तुम वहाँ टॉयलेट को गार्ड करने गए थे? मुझे पता है पिछले कॉलेज में तुमने बहुत गुंडागर्दी की है, फिर भी इस कॉलेज में तुम्हें क्यों आने दिया है जानते हो? तुम्हारी मार्कशीट देखकर। अगर गुंडागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते थे। अभी रैंक लाने के लिए तुम्हारे पास एक चांस है। ये उल्लू का पट्टा मेरी बोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना डिसमिस कर देता, समझ गए? अब ड्यूटी का बहाना करके लेडीज टॉयलेट में जाओगे? जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है जाओ। मतलब लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ इंटेलिजेंट फूल। ओके सर। मैं तो परेशान हो गया हूं इसे समझा समझा कर। मेरी हाइट की वजह से हर किसी को मुझसे झुककर ही बात करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्वीट मॉर्निंग, मिस्टी मॉर्निंग। बैठ जाओ वहाँ पर। अकुन बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन ना। हेलो, तुम्हारे लिए बोर्ड में लिखो क्या? सॉरी सर। की कोमोरे बैठा है क्या? नो सर। तो फिर सर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ। और बॉडीगार्ड बैठता नहीं सर। सब लोग चुप हो जाओ, क्यों हो चुकी? आउटस्टैंडिंग। बॉडीगार्ड है, नाम क्या है? रसगुल्ला मंगाऊं क्या? भूमिनाथ सर। देखो तुम भूमि चुमी जो भी हो क्लास से बाहर हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। सॉरी सॉरी, उसे मत खेलो। चल उधर हट चल। ओके, बहुत पहले की बात है, गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की उस आदमी ने कहा जब रसगुल्ला नीचे गिरता है उसका एक कारण होता है, और वो कारण है गुरुत्वाकर्षण। मीरा, ये किसने कहा था? कम ऑन, आदमी का नाम बताओ। क्लास में बैठे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत तकाओ। कॉलेज में पढ़ने आती हो क्या फैशन दिखाने के लिए? क्या देख रही हो, मैं मिस्टी नहीं हूँ। बोलो कौन था वो आदमी? भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की लाल करते हैं, बचपन से यही पढ़ा है सर। hey, silence, चुप, silence. मैंने मीरा से पूछा था, तुम मीरा हो क्या? आप किसी से भी पूछिए, आंसर मिलना चाहिए ना। तुम चुप करो और बाहर जाओ। सुना नहीं मिठाई मांगाऊं क्या? सर मीरा को ही बचाएगा, तो हमें कौन बचाएगा? इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि भूमि से दोस्ती करो। लेकिन वो तो मुझसे दूर भागता है। मीरा, अगर तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गर्ल्स, तुम में से किसी एक को उसे फंसाना होगा, प्यार में। क्या? प्यार में? यस, कोशिश तो करो डार्लिंग। ए, उसे हमारी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो? फेस टू फेस प्यार थोड़ी ना करना है, फोन पे करना है। हर महीने तो फोन का रिचार्ज करवाती होगी ना तुम्हारी माँ? अगर नहीं करती तो मिस कॉल देकर दिमाग की दही कर देना। और हाँ, भूल के भी वीडियो कॉलिंग मत करना। तुम चुप रहो, ये प्यार व्यार का चक्कर ना छोड़ दो, बस उसका यूनिफॉर्म बदलो, वही काफी होगा। कुछ आइडिया दो। आइडिया
आपका ये कड़क यूनिफॉर्म देखकर मुझे जलन होती है। आपने मुझे ये पहनने नहीं दिया, कम से कम इसे कड़क तो करने दीजिए बॉस। नकोरे। बॉस जाकर अपने सारे डिपार्टमेंट धो लो, उसके बाद तू अपना चल वट अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। रुमाली पैंट उछालने की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉन्ड मुझ जैसे देसी को इंडियन बॉन्ड बनने नहीं देगा। बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? ये चिल्ला कौन रहा? गया। तूने मेरे घुटने के नीचे चलाया, मैं तेरे घुटने के ऊपर चलाऊंगा। निकाल दी। ये क्या कर रहे हो? बड़े हो गए पर बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो आराम से सो रहा था, इन्होंने गरम गरम मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। अब देखिए बैकग्राउंड का नक्शा ही बदल गया है। तेरा पिछवाड़ा जलाया तो दिखा रहा है, उधर जला था तो वो भी दिखा था। दिखाने से दर्द कम होता है, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और इनसे कहो कि अगली बार होटल से तंदूर मंगाए, मुझे न सेके। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तूने कहाँ उंगली किया? तुझे बताओ, बताओ। क्या किया मैंने? इसकी ऐसी हालत किसने? क्या किसने किया बता। इसको पहन के मैं बॉडी को गार्ड कर सकता हूँ? अरे इस पैंट का अंडरवेयर बना लेता, कम से कम कुछ छुपाने के तो काम आता। हाँ बॉस सही कहा। बताओ किस इडियट ने रोटी पे तवा सेका, यानी तवे पे रोटी? अबे तूने और किसने? ये नहीं नहीं, मैं तो स्टोनिंग करके ड्रीमिंग कर रहा था। यही है कुत्ते का बच्चा। देखिए बॉस, अगर आप मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सब के सामने मुझे गाली दी ना तो मैं अपने आप को उंगली भर पानी में डुबा के मर जाऊंगा। सोते समय तुझे क्या क्या करने की बीमारी है बताओ तुझे? बस बहुत हो गया, इस बेकार से पैंट के लिए इतना हल्ला। पर मैं कॉलेज में कल क्या पहन के जाऊंगा? लो ये कोई बात हुई, और कोई पैंट नहीं है क्या? पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म थी ना। स्कूल के छोटे से बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? आप सही कह रही है, कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे क्या? अब तो ढंग के कपड़े पहनो ताकि ये रगड़ा रगड़ी की आदत चली जाए। बी अलर्ट ऑफिसर। तूने फिर अपना शटर, अब लाइट ऑफ करके सो जाओ। चलो अब क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए। एक और स्त्री होनी चाहिए? हाँ हाँ, इसे देखिए, इसमें दो बड़े छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक स्त्री, यानी ये कांड दो स्त्रियों से किया गया, दूसरी स्त्री यहीं कहीं होगी। तेरे पिछवाड़े में दो दो बनाओ। ये कौन सी भाषा है? अरे रे रे, अरे रे रे, एक मिनट रुक जाइए बॉस। देखिए आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड खराब किया है, आगे क्या क्या खराब करना है उसका परमिशन तो ले लीजिए। जूनियर ऑफिसर तो मैं हूँ, और कितना नीचे जाएंगे सर? अरे बॉस ने मुझे अंदर सोने नहीं दिया, तू मुझे यहाँ तो चैन से सोने दे। मीरा दीदी, मधु दीदी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ेगी क्या? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ जल्दी। क्या हो गया ऐसे? दीदार कर लो। नींद टेलर किसे सीन हुआ है, इसीलिए लगता है थोड़ा ढीला हो गया। पूरी रात टेलर को सोने नहीं दिया और कहता है कि ड्रेस ढीला है, ढीली तो उसकी हालत है। ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिली? कहाँ से उठा के लाए इसे? रात भर टेलर को लेफ्ट राइट करा के ये ड्रेस सिलवाया है। कितने डायलॉग बोलेगा, अभी तक तैयार नहीं हुए? मधु फास्ट फास्ट हरी अप, अंदर जाके तैयार हो जा। अरे काय का हरी अप, तुम तो जंगल से हल्की होके आ गई, अब तो मुझे जंगल जाके हल्का होना बाकी है ना। ओहो कितना डायलॉग मारोगे? सुना नहीं हरी अप? अरे काय का हरी अप। ओहो जो करना है जल्दी करो। लगी नहीं है तो कैसे करूं? जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम जल्दी जाओ, बाल्टी लेके आओ जल्दी, मुझे लगने दो। Yeah.
राम कुमार वर्मा की बेटी कॉलेज आ गई और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी मौजूद है। ए जरा देखो, ए मीरा, एक अंधा लड़का तुम्हारे पीछे चल रहा है, उसका हाथ पकड़ कर चलो, नहीं तो वो किसी पर गिर जाएगा। भूमि, तुम अपना ये काला चश्मा उतार क्यों नहीं देते? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं कहाँ और किधर घूम रहा हूँ। अब मैं बता दूँ कि झांसा कैसे दिया जाता है। चल हट। ए मीरा, मैं तुम्हारे यहाँ पे कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले इसका सामान तो दे दे, ये लो। अरे नहीं, ये तो बुरके वाली है। वालेकुम अस्सलाम। कंफ्यूज हो गया। मधु, मीरा जी कहाँ हैं? वो अंदर है, आ रही होगी। मीरा जी, आप आती हैं या मैं आऊं? आप भी यहाँ आएंगे, सोचा नहीं था। Stupid, idiot, nonsense, fool. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप तो प्रिंसिपल है, आपका भी दिल करता होगा। मैं तो यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मीरा जी को देखने आया था। हाँ? ये गधा हर बार लेडीज टॉयलेट में ही क्यों घुसता है? इसमें जरूर कोई राज है। किस्मत अच्छी है किसी ने देखा नहीं। चालू रखो। ए रुको, डांस ऐसे करते हैं। कमल मिला मस्त। डांस सिखाने आए या मजे लेने आए? साला डांस की आड़ में चांस मार रहे। निकल। भूमि, तुमने अपनी टांग क्यों उड़ाई? तुम जानती हो, जानती हो ना तुम, वो डांस के बहाने चांस मार रहा था, तुम्हारी बत्ती नहीं जली। बचा लिया। भूमि, तुम पर भरोसा करके हमने अपनी बेटियां भेज दी, जैसे तुम्हारे पिता ने मुझ पे भरोसा करके तुम्हें भेजा। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, पर मैंने ही तुम्हें इस काम में लगा दिया। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे फोन करो, मैं संभाल लूंगा। पर तुम नहीं लड़ोगे, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी ही क्या, इन लड़कियों की भी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से यही तुम्हारी ड्यूटी है। जो आज्ञा। द सोर्स फ्रॉम विच शेक्सपियर डिराइव्ड द स्टोरी ऑफ मैकबेथ इज होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड विच। मीरा जी, सॉरी, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम नोट्स कल लिख लें। ओके, तो जाकर लेट जाइए। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। चलो हम भी इनके साथ सोए जाएंगे। मधु, कल सुबह 4 बजे तुम दोनों यहाँ होंगे। 4 बजे? अरे 4 बजे तक ना इसका काम होगा ना मेरा। चल सो जा, यहीं पे सो जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम नोट्स लिखा, हम नोट्स लिखेंगे। ओके? अब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो तुम्हें नींद आ रही थी, उसकी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाकर सो जाओ, कल सुबह पढ़ लेंगे। फाइनली मान गया, चल जाके अपना काम करते हैं। नोट्स लिखते सो जाती है, हम कल पढ़ेंगे। ए, तू कौन सा काम करने वाला है? नहीं बॉस, मैं इसके साथ बस अंताक्षरी खेलने वाला हूँ, पुराने पुराने गानों की कहानी। अरे ये भी बंद हो गया, खुला है, अंदर आके सो जा। पापा ने ये क्या कर दिया? जैसे हमें भूमि से छुटकारा मिलने वाला था, उन्होंने इसे मास्टर बना के सर पे बिठा दिया। मास्टर नहीं, हेडमास्टर।
पहले कितना सीधा था और हमारी चिंता करने वाला बंदा था, लेकिन अब तो किसी मिलिट्री ऑफिसर की तरह खड़ूस हो गया है। और उसकी शुद्ध हिंदी से तो मैं तंग आ गई हूँ। कहाँ जा रही हो मधु? उसे ठीक करने का कोई रास्ता बताओ, कोई आइडिया सोचो। अपना दिमाग दौड़ाने से अच्छा है अपने बेड पर जाकर सो जाओ, कल सुबह 4 बजे उठना है। तुम ठीक कहती थी, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोशिश भी क्यों करें। कॉलेज में उस डेढ़ फुटिया ने लड़कियों से क्या कहा था कि भूमि से प्यार करें। किसी ने ट्राई किया? नहीं किया। प्यार तो छोड़ो, उस बॉडीगार्ड के पास जाने के नाम से ही लड़कियां डर जाती हैं। मैं खुद ट्राई करूं क्या? तू क्यों ट्राई करेगी भला, पकड़ी गई तो बुरी तरह फंसेगी, वो तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। तूने उसे बेवकूफ समझाया क्या? देखो, इस फोन का ना कॉलर आईडी रिस्ट्रिक्टेड है, इससे फोन करने पर दूसरे पर नंबर नहीं आता, ये एक प्राइवेट नंबर है, मुझे वो ढूंढ भी नहीं पाएगा। और अपनी आवाज का क्या करेगी? वो तो मैं जब चाहे बदल सकती हूँ। तू आवाज बदलेगी क्या? करके बता। हेलो भूमिना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, कैसे हो तुम? देखो, क्या भी वो पहचान पाएगा मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानेगा। मीरा, मजाक नहीं, एक बार फिर सोच ले। मैंने कहा ना, वो मेरी आवाज नहीं पहचानेगा। कोई प्राइवेटली मजे लेना चाहता है। हेलो, कौन? हेलो, हेलो, गले में कुछ फंस गया है क्या? हेलो, अरे मीरा, अबे कुछ बोलेगा भी? अबे बात नहीं करनी तो फोन क्यों कर रहा है? चल फोन पटक। पता नहीं कौन सारा उल्लू का बट्टा फोन कर रहा है। कौन है? भूमिनाथ। कौन भूमिनाथ? तेरा बाप भूमिनाथ। अरे बॉस, मैं आपके बारे में नहीं, फोन पे कौन था ये पूछ रहा हूँ। मैं भी तो यही पूछ रहा था, कोई बोलता ही नहीं। कॉल बैक कीजिए, नंबर पे बैलेंस नहीं है क्या? अरे नंबर ही नहीं आया। ओ, नंबर नहीं आया? यू डोंट वरी, टुमारो दिस इंडियन जेम्स बॉन्ड विल सी। अरे आप रुक जाइए बॉस, मैं तो बच्चों की चीखें निकाल दूं, इसकी आवाज निकालना कौन सी बड़ी बात है? मैं बताता हूं कौन है, अभी देखता हूं। हेलो हेलो। आई, अरे बॉस, वन लड़की टॉकिंग दैट टू अलोन। लड़की? कौन लड़की? पूछ कौन से नंबर से बोल रही है। हेलो, आप कौन है और किस नंबर से बोल रही है, जरा फूटिए। ये भूमिनाथ का फोन है ना? जी हाँ, भूमिनाथ का ही फोन है, लेकिन आवाज मेरी है, आप कौन है बताइए। लवर। बॉस, लवर का फोन। अबे तेरी लवर मेरे नंबर पे फोन क्यों कर रही है? अरे बॉस, आपकी लवर है तो आपके नंबर पे फोन करेगी ना, मेरी वजह से मैसेज। कौन है तू? फोन में से मजे ले रही है क्या? फोन में घुस के मारूंगा तुझे, फोन रख। ये बॉस बॉस बॉस, ये नारियल नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने कितनी मुश्किल से इसे खोजा था। अब्राहम लिंकन था या अब्दुल कलाम साहब, फिर से कंफ्यूजन है, सुबह दूर करेंगे हल्का होने के बाद। आइडिया काम करिए, अब मैं आराम से सोऊंगी, बाकी कल। गुड नाइट। दरवाजा खोलिए। आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, जल्दी से तैयार होकर पढ़ने के लिए नीचे आ जाइए। चलिए मीरा जी, उठिए। मीरा जी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कम ऑन, देर मत कीजिए, जल्दी उठ जाइए, कम ऑन। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जानवर है ये। मीरा, जल्दी तैयार हो जा, वरना वो हेडमास्टर फिर से तेरा हेड खाने आ जाएगा। किंग लियर्स ओपनिंग सीन हैज आल्सो गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लेट्स सी हाउ शेक्सपियर ओपन्स द डोर। किंग लियर इज अ ट्रेजिकल ड्रामा ऑफ दिस ऑथर।
As the opening scene describes the partition of the kingdom. It's about the partition of the kingdom. Yeah, come on, take notes. The whole play takes off from a funny love test. The whole play takes off from a funny love test. The question. The whole play takes off from a funny love test. The question is. The whole play takes off from a funny love test. The question that. अरे फोन उठा लो ना वरना बार बार यूं ही बचता रहेगा। नहीं 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 इसे बजने दो ये फोन लेने के लायक ही नहीं है। Wrong number. So take notes. The whole play takes off from a funny. फिर बजा। अब तुम अपना फोन ऑफ करके रख दो ना। नहीं नहीं मालिक ने कहा है कभी भी अपना फोन ऑफ मत रखना। वाह कर गया। The whole play takes off. बार बार एक ही चीज मत बोलो हम लिख चुके। The question is regarding impending divisions of the kingdom. Impending division. अपुन आज इतना ही पढ़ाएंगे। तुम लोगों की छुट्टी हो गई। जल्दी यहाँ से निकलो, निकलो, जल्दी, कल्टी। हे, फोन पे छुपा छुपी के। हेलो, हेलो। किया ना अगर तुमने मुझसे फोन किया ना तो तेरे एक लौते बाप की कसम फोन में घुस के मारूंगा। देखा ना मेरा कमाल कुछ ज्यादा ही हो गया मीरा। अब मैं आराम से सोऊंगी। बाय बाय। मीरा कब तक सोएगी? चल उठ जा जल्दी से तैयार हो जा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठती हो? मैं जल्दी उठ जाती हूँ। टाइम क्या हुआ है पता है? सुबह 7 बजे से यूनिफॉर्म पहनकर तेरा बॉडीगार्ड तैयार बैठा है। हाँ ठोके इसका तो कुछ करना ही होगा इस यूनिफॉर्म की तो। पार्वती नंबियार। देखा बॉस अंग्रेजी पढ़ ली। ये किसी पार्वती नंबियार का साफ सुथरा फोन है आपके लिए। अबे इसने फिर से फोन किया। पार्वती नंबियार कौन है? पार्वती नंबियार नहीं बे प्लम्बर प्राइवेट नंबर है। ओ शायद ये फ्रेंच में लिखा हुआ था इसलिए कंफ्यूजन। ये वही है। अच्छा हुआ तूने फोन कर दिया। अपन तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। अरे बॉस इनकमिंग फ्री है हरा बटन दबाइए। हाँ पता पता है। यू गो यू गो गो आई गो। अबे साली फूल बच्चन तू वही है ना? तेरे में हिम्मत है तो सामने आना फिर देख कैसे इलाज करता हूँ तेरा। मेरा मर्ज तो ला इलाज है। मैं पागल जो हूँ तुम्हारे क्या फेंक रही है? तुम्हारी वो यूनिफॉर्म कैप कूलिंग ग्लास चलना स्टार सब मुझे पसंद है। तुम तो हीरो हो। मैं हीरो हूँ? कौन सा हीरो? कहाँ का हीरो? एक बात सुन तुझ जैसी हीरोइन से बचने के लिए मैं ऐसी यूनिफॉर्म पहन के घूमता हूँ। और जब तुझ जैसी कोई पागल लड़की अपन को फोन करे और अपन को बोले कि अपन को वो पसंद करती है तो अपन क्या उसके चक्कर में फंस जाएगा? अगर तूने दोबारा कॉल किया ना तो कॉल के साथ तुझे भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कौन बोल रही हूँ? तू कौन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू भाड़ में जा। चलो फोन रख फोन रख। उल्लू की पट्टी। क्या हुआ? अब अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी ना तो समझो इस कॉल का असर उस पर नहीं हुआ। पर अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो समझो मेरे कॉल के जाल में फंस गया वो। सुनते हो? अच्छा सुनते हो मेरी बात तो सुनो। आगे भी तो बोल। बॉडीगार्ड ने अपना यूनिफॉर्म उतार दिया। उतार दिया? तू दूसरे मर्दों को टाकती है? खिड़की खुली थी तो देख लिया। एक तो तूने उसे खिड़की से कपड़े उतारते हुए देख लिया और उसके ऊपर मुझे तू हंस हंस के बता रही है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़। अबे ओ भ्रष्ट बुद्धि मैंने उसे बिना कपड़ों के नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं होता है पर तूने उसे कौन कौन से कपड़ों में देखा और तू वहाँ क्यों टाकते जा रही है? है? अरे तू चुप होगी बॉस बदल कैसे गए? अब मैं ऐसा ही रहूंगा। लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए बॉस मेरे पास बहुत चिल्लर पड़ा है। अबे गधे मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा।
चलिए इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, जल्दी चलिए। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बहके बहके ख्याल नजर आते हैं। मेरा फोन कॉल काम कर गया। जो पहले लड़कियों से चिढ़ता था, अब देखो उन्हें कैसे घूर घूर कर देख रहा है। चल, You girls always feel safe with me, ना? तुम्हें को देखो। क्या बात है डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। किसी को इम्प्रेस करना है क्या? हाँ बेटा, मगर तू अपनी तंगड़ी मत अड़ाना, वरना उसे इम्प्रेस करते करते कहीं तुझे ना पे। थैंक यू मेरी जान, काश उसके गोद में गिरता। मजा आता, बहुत मजा। उसे पता चल गया तो हम गए, तू अगर मुंह खोलेगी ना तभी पता चलेगा। अब चुप रह। बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। जरा रुको, एक बार फिर से बोलो। हेलो। थोड़ा सुर ऊपर। हेलो। थोड़ा पिच नीचे करके जरा सॉफ्ट वे में बोलना। हेलो। हेलो। थोड़ी फटी हुई। ए, वो आ गया। उस दिन बहुत मजा आया था। अरे हेलो हेलो हेलो, ए किधर आ रहे तू, जरा झलक तो दिखला जा। ही, मैं कॉलेज में हूँ, तुम कहाँ हो? ए रुक रे, चल जरा हेलो बोल, फोन पे बोल, फोन पे। ए तुम क्या पागल हो? थैंक्स। हे तुम्हें नहीं, यहाँ कोई सिर फिरा दिमाग खा रहा था। अपन सब जानता है तू इधर ही से मजे ले रही है ना। जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे ना, उसी वक्त मैं वहाँ से गुजरी। बेटा जितना चाहे छुप ले, आज तुझे ढूंढ के ही रहूंगा। बोलती रहे बोलती रहे, शर्त लगा ले 15 मिनट में तेरे पते का पता लगा लूंगा। ये शर्त वर्त मत लगा, मुझसे तो प्यार की बातें करो, मैं अगले पल तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी किलर स्माइल के साथ। किलर स्माइल? तेरी बत्ती से निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगा, बस अपन को 15 मिनट दे। तो फिर 15 मिनट तो क्या, जिंदगी भर भी मुझे ढूंढोगे ना तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ तू जानती नहीं है, अगर सारी जिंदगी भी अपने को फोन करेगी ना तो भी अपन तेरे को प्यार नहीं करेगा। तुझे जो यूनिफॉर्म पसंद आई थी ना वो बर्तन वाले को दे दी मैंने। अरे कहाँ खोपचे में छुपकर बात कर रही है, खोपचे से बाहर निकल। पर इन कैशन में भी ना तुम बहुत हैंडसम लगते हो, बस शर्ट को टकिंग कर लो और बालों में थोड़ा जेल वेल लगाकर सेट कर लो, बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं। लेटेस्ट ट्रेंड है ये, तू अपन को मत सिखा। मैं चाहे शर्ट टकिंग करूं ना करूं, बाल बनाऊं ना बनाऊं, होती कौन है बे? नाम क्या है तेरा? बचपन में तेरा नामकरण नहीं हुआ क्या? नाम में क्या रखा है, पर अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं अनामिका बोल रही हूँ। मधुमती। अनामिका। हेलो। कैजुअल में भी ना तुम बहुत हैंडसम लगते हो, और बालों में थोड़ा जेल वेल लगाकर सेट कर लो। बालों को सेट कर रहा है, लगता है प्यार हो गया इसे। आप देखो। ओके okay. अच्छा बाबा, अब तो मैं हार गया। चलो अब तो बता दो, तुम्हारा पैदाइशी नाम है क्या? अनामिका। लाया। अच्छा ये बता, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? एटलीस्ट अपना डिपार्टमेंट तो बता सकती हो ना? किस लिए? ताकि तुम मुझे ढूंढकर मेरा भरता बना सको। हाँ मुझे भरता नहीं, स्ट्रॉबेरी पसंद है। अच्छा अब तो मुझे प्यार करने लगे हो। वैसे तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ना? देख सकते हो, बट वन कंडीशन, कि तुम उस लड़की का पीछा करना बिल्कुल छोड़ दो। किसका पीछा करना?
और कौन सी लड़की? मीना और किसका? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उसकी पूंछ की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। वो खुद को समझती क्या है? मिस वर्ल्ड है क्या? तुम्हारे जैसे जेम ऑफ अ पर्सन को घुमाती रहती है। बहुत घमंडी लड़की है। शट अप। मीरा जी के लिए ऐसी बातें करने वाली तुम होती कौन? बस करो। अब मुझे तुम्हारे नाम काम धाम में कोई मतलब नहीं है। अब से मुझे यहाँ फोन मत करना। भाड़ में जाओ। मैंने फोन करने के लिए मना किया था ना, फिर से फोन क्यों किया? चलो फोन रखो। ए, कट मत करना। आइंदा से मैं कुछ गलत नहीं कहूंगी मीरा के बारे में। प्रॉमिस। आज के बाद उनके बारे में कभी कुछ मत कहना। मुझे पता नहीं था कि तुम मीरा की इतनी ज्यादा इज्जत करते हो। सॉरी यार। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो माफ किया। कुछ तो खास बात होगी उसमें जो तुम उसे इतना पसंद करते हो, बताओ ना। मैं भी उसके जैसी बनूंगी। एक बात बताओ, इंसान कभी अपने धन से नहीं बल्कि अपने मन से बड़ा होता है। मीरा जी भी ऐसी है। पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जो एक फैक्ट्री की मालकिन होने के बावजूद अपने वर्कर से ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि उन्हीं में से एक हो। उनकी यही बात सबसे अलग है। ऐसी ही न जाने उनमें और कितनी खूबियां हैं जो मैं बता नहीं सकता। मीरा जी जैसा कोई नहीं। एक वक्त था जब मेरे मालिक हमेशा झगड़ों में उलझे रहते थे, पर आजकल वो काफी बदल गए हैं। जानती हो क्यों? मीरा जी की वजह से। पहले मैं सोचता था कि हर चीज छीनने से मिल जाती है, इसीलिए मैं गुंडागर्दी करता था। पर मीरा जी के नेचर ने मुझे सिखाया कि ताकत से बढ़कर भी कुछ है जिससे दुनिया की हर चीज आसानी से हासिल की जा सकती है, और वो है प्यार। हालांकि मालिक का बॉडीगार्ड होना मेरी असल ड्यूटी है, पर मीरा जी की हिफाजत करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब तुमने मीरा जी के बारे में भला बुरा कहा तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, और इसीलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। I'm extremely sorry। नहीं, तुम सॉरी मत कहो, तुम गलत नहीं हो। ये मैंने अब जाना है, और मैं तुमसे हेलो भूमि, तुम मुझे देखना चाहते थे ना? हाँ बाबा, देखना है तो फिर बाहर आ जाओ। क्या? मैं गार्डन में हूँ, बस तुम चलते आओ। कहाँ हो तुम? यहीं पर, गौर से देखो, मैं पेड़ के पीछे खड़ी हूँ। रुको रुको रुको, वहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। आंखें बंद करके वहीं पर खड़े रहो, और जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। जल्दी आना। इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हारे नजदीक आ गई। अब अपनी आंखें खोलो। पूरा सीन खराब कर दिया। तुम्हें यही टाइम मिला था, खाने का टाइम नहीं दे सकती थी? बॉस, इसी क्लास मत लो, ये पारो काम बहुत अच्छे से करती है। तभी तो हमारे मालिक ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया। क्या कहा? प्रेग्नेंट कर दिया? ओहो, प्रेग्नेंट नहीं किया, परमानेंट किया है। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती। निकल यहाँ से, तू फूलवती गर्भवती बन गई। इफ यू एडवांस में बताएंगे तुम्हारी को प्रेग्नेंट बोलेगा तो यही होगा ना। एक काले बॉन्ड बोलिए ना बॉस। वो आज मेरे सपने में आई थी। पारो, अरे पारो, बदतमीज, बेशरम, तू सब कुछ देखने आ जाती है। शटर बंद कर। पारो नहीं है तो कौन?
वो अनामिका। अनामिका, मेरे दिल में शहनाई बज गई। आपने क्या देखा बॉस? आपने चेहरा तो देखा हो ही। कैसे देखता यार, बीच में पारो आ गई। उसने मुझे ठीक क्लाइमैक्स में उठा दिया। उठा दिया? आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है बॉस। आप उठते उठते सो जाते हैं और सोते सोते उठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है? अबे गधे, जब सोते हैं तभी तो सपने आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बॉस, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो दिन की रोशनी में या रात की चांदनी में देखते हैं। कंफ्यूजन है बॉस, आप सो जाइए। शादी एक सफर की तरह होता है, कोई इसमें चढ़ता है कोई उतरता है, बीचों बीच नजर होनी चाहिए। कभी अगर गाड़ी ट्रैक से उतर गई तो आपके तोते उड़ जाते हैं, और तोते उड़ गए तो फिर नहीं मिलते, समझ गए ना बॉस? निकल, फिर से हल्का होना पड़ेगा। ए पारो, क्या हुआ? बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे, लेडीज हॉस्टल जो गया है। ये अनामिका का झंडा लेके क्या कर रहे हैं? बॉस क्या है कि मैं शक्ल से तो पहचानता नहीं, इस पार्टी की मदद से ही मैं उन्हें तोड़ दिया। बॉस एक बात बताइए, आप उन्हें पहचानेंगे कैसे हैं? अनामिका उस लड़की का नकली नाम। ये तो कंफर्म है ना कि वो एक लड़की है। अब वो फोन करेगी ना तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा, और उसी वक्त तू हॉस्टल में घुस जाना, और जो लड़की फोन करती दिखेगी तो उसकी फोटो खींच लेना, वही छोड़ी अनामिका। आप एक काम कीजिए, आप उसे बातों में उलझाते रहिए, तब तक मैं हॉस्टल में जाके उसका फोटो खींचता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, बात करते करते उसे बाहर लेकर आइए, उसके बाद में उसका फोटो खींचूंगा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर जाता हूँ। हेलो, तुम्हारी ड्यूटी मेरे हॉस्टल के बाहर कैसे लग गई? अच्छा, तुम हॉस्टल में रहती हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हें रूम नंबर चाहिए या फिर मेरा फोन नंबर? कोई बात नहीं, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ये रही बॉस की छुपी हुई जाने मन, टाइम मैं बताता हूँ। वैसे फोन पे तो बात कर ही रहे ना हम लोग। इसकी तो पीठ दिख रही है, मैं सामने जाके फोटो लेता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। नो, डोंट गिव मी एनी एक्सप्लेनेशन, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, मुझे सब पता चल गया है। आई नो यू वेंट फॉर अ मूवी विद हर। ये अंग्रेजी में बात कर रही है। आई थिंकिंग दैट शी इज द वन। पहले फोटो लेंगे और बॉस को शोइंग। लेकिन तुम सिर्फ मूवी देखने लेके गए और उसकी टिकट भी मैंने खरीदी, ये कोई बात हुई? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये तो लड़कियों का मच्छी बाजार है, अब क्या करूं? लगता है इस इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड की नौकरी करते करते ये देसी जेम्स बॉन्ड शादी से पहले ही घस जाएगा। क्या करूं? ले ले बेटा, सबकी ले ले। बहुत शौक चढ़ा है फोटोग्राफी का, तेरी खींचो क्या? दोबारा यहाँ नजर आया ना तो तेरी नहीं, लगता है किसी पागल खाने से कोई पागल छूट गया, अब उसे वापस पागल खाने ले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, शाम को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, करती रहो करती रहो करती रहो। इसे ठिकाने लगा देना, ज्यादा बकवास करे तो जुबान काट देना। हाँ समझा समझा। ये तो मेरा गधा जा रहा था। अच्छा मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूँ। ए रुको, इस पागल को मैं जानता हूँ। अब मैं सिर्फ सपने में ही जेम्स बॉन्ड बन सकता हूँ।
एक्टिंग मत कर बे। अरे एक्टिंग करने आती तो और एक्टिंग करता ना। ओह क्या हो गया इन्हें? कपड़े क्यों फटे हुए? अरे अरे कुछ नहीं, होते समय बाथरूम में गिर गया। ऐसे कैसे गिरे? मत बोलिए बॉस, मैं पिटके आया हूँ। पिटके आए या गिर के आए? गिरा था, उनके पैरों में भीख मांगने के लिए गिरा था, लेकिन उस मोटी वार्डन ने मेरा ऐसा कचूमर बनाया कि पूछो मत मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तुमने अपना मुंह खोल के कुछ किया क्या? अरे मैंने अपना मुंह बंद रखा था, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा, इसलिए वो लोग सब मिल के मेरे पे टूट पड़े। ऐसे ऐसे पैतरे आजमाए, लाते मारी के नीचे के पंजे ऊपर पहुंच गए। मुंह बंद कर। मुंह तो बचाए बॉस, सारा काम वहीं से करना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनाऊंगा तो तुम्हारी भी बैंड बज जाएगी, बैंड बज जाएगी। आपको इतनी चोट कैसे लग गई? अरे कैसे लग गई ये मत पूछो, कहाँ कहाँ लगी ये पूछो। अंदर से सब हरा हरा है, ऊपर से सब लाल लाल है। भूमि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मुझे एक फोन आ गया था इसलिए। वही फोन, उसी फोन की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। बॉस आप घबराना मत, आपका ये रहस्य सॉल्व करके ही मैं दम तोड़ूंगा। मेरी मीटिंग यहीं पे थी तो सोचा मीरा से भी मिल लूं। भूमि तुम्हारा कॉलेज कब बंद हो रहा है? अगले महीने 25 तारीख को। तो तुम उसके बाद घर चले जाना। ठीक है। अब सिर्फ मीरा के एग्जाम का इंतजार है। एग्जाम के बाद इसे लंदन जाना। जी। लंदन में ही इसकी शादी का इंतजाम करेंगे। भूमि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब कुछ काम है तो मैं। अरे खड़े क्यों, बैठो ना, घबराओ मत। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ कहो ना, जो कहो। मीरा तू अपना फोन अंदर क्यों छोड़ आई? पापा ने कॉल किया है, जल्दी आ। सॉरी भूमि। कोई फोन नहीं आया तेरे लिए, मैंने झूठ बोला। इतनी रात को तू भूमि से क्या बात कर रही थी घर के पीछे? कुछ भी। मीरा तेरी हरकतें देख के मुझे डर लग रहा है, शायद तू भूल गई है कि तेरी सगाई हो चुकी है। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वरना भूमि मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। खुली आंखों से सपने मत देख, वो तुझसे प्यार नहीं करता। मीरा मैं भी मीरा नहीं रही, भूमि की प्रेमिका होना ही मेरी पहचान बन गई। उसके बिना मुझे जिंदगी नहीं लगती। तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? तू भूमि को जानती नहीं है क्या? वो तेरे पापा को भगवान मानता है, वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। नेवर। जरा सोचो मीरा, अगर उसे पता चल गया कि उसे तुम फोन किया करती थी तो वो तुम्हारी लव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बजाय उसे पक्का रिजेक्ट कर देगा। तुमने ये सब शुरू तो एक मजाक समझ कर किया था मीरा। उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब मान लो ये मजाक यहीं खत्म करो। बॉस बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब खपरेल चटक जाए तो उसे बदल देना चाहिए, और जब दिमाग चटक जाए। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बॉस साहब। एक ही दिन में इतना कंफ्यूजन? बॉस 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 आप खपरेल पकड़ाएं और कंफ्यूजन भूल जाएं लाएं। बॉस जरा एक बात कहूँ मैं, आप जरा कस के पकड़ना होगा, ये सब अकाउंट और घिस जाएगा। पहले से ही सारे डिपार्टमेंट टूट चुके हैं। जाइए 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 बॉस, ये अरे ऐसे मत जाइए। दवाई खपरेल गिर गई, अरे गया खोपड़ा। उफ ये फोन, नो सर्विस नो सर्विस। हेलो, फोन क्यों नहीं किया? तुम आज लेट उठी क्या? जागने के लिए सोना पड़ता है। हाँ ये भी ठीक है। आज सुबह सुबह मैंने तुम्हारा सपना देखा। सपने में मैं कैसी लगी? कैसी लगी कैसे बताऊं? तुम्हें मुझे सपने में देखने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैं तुमसे मिलूंगी। ए, फिर झूठ ना। नहीं मैं आऊंगी।
तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? मैं मिलने जरूर आऊंगी। तुम बस कहाँ हो ये बताओ, मैं आ जाता हूँ। तुम अभी मत आओ, अगले संडे बोटानिकल गार्डन में मिलते हैं। बस एक मिनट रुको, एक मिनट, बस एक मिनट। मीरा जी, नेक्स्ट संडे आपका कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों? नहीं, मुझे कहीं जाना था इसलिए। कहाँ? डॉक्टर के पास। अगर आपका कोई और प्रोग्राम हो तो ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलना कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, संडे को तुम्हारी छुट्टी। ओके, थैंक यू। ओके 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 ओके, संडे फुल फ्री हूँ। तुम वहाँ कितने बजे पहुँचोगी? दोपहर को 3 बजे। ओके ठीक है, चलेगा, मैं ठीक 2:45 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन तुमने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया। अब जब हम दोनों मिलने ही वाले हैं वहीं पूछ लेना। ठीक है, अगले संडे 3 बजे। ओके डन। कौन है? भूमि, हम लोगों को बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। भूमि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर वेट करेंगे। जरा रुको, याद नहीं है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और आपने तो उस दिन कहा था आपका कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं है, तभी तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया ना। ओह सॉरी भूमि, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, हम लोग साथ चलते हैं, डॉक्टर के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे उससे अकेले में मिलना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। तुम अकेले जाकर मिलना, हम बाहर रिसेप्शन पर इंतजार करेंगे। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्या है ना, डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन ही नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है, अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। उसका नाम बताओ। नाम में क्या रखा है, हम तो उसको बस हमेशा से ही डॉक्टर या डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। भूमि तुम झूठ बहुत बुरा बोलते हो, सच बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक दोस्त से मिलना है। अगर दोस्त से मिलना है तो छुपा क्यों रहे हो? दरअसल वो फ्रेंड एक लड़की है। लड़की? हाँ, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, हम दोनों फोन पर अक्सर बातें करते हैं, आज सोचा मिलकर ही कुछ कर लें। तो क्या तुम्हें उससे प्यार है? वैसे वो मुझे अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी? दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है। अभी तक उसे देखा नहीं। देखा भी नहीं? लेकिन उसने मुझे देखा है, आज मैं उससे शादी की बात करूंगा। मतलब उससे मिलूंगा। अगर वो सुंदर नहीं हुई तो, अच्छी नहीं लगी तो? सुंदरता तो सिर्फ आंखों के लिए होती है, मन के लिए नहीं। सिर्फ चेहरा देखकर कोई किसी से प्यार थोड़ी ना करता है। सही कहा, तुम ये पहले बताना चाहिए था ना, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं तैयार होकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारी उस दोस्त को मिलना चाहती हूँ, साथ में चलूं? अरे नहीं 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 नहीं, अगर आप साथ चलेंगी तो वो बुरा मान जाएगी, वो तो ऐसे ही नाराज है कि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। वो मुझे नहीं देखेगी, मैं उसे दूर छिप कर बैठूंगी। आप सचमुच उसे देखना चाहती हो? हाँ भूमि, मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। ओके चलिए चलिए। देखिए आप यहीं पर रहिए, ठीक है, और मैं उससे वहाँ मिलूँगा, आप उसे यहाँ से देख पाएंगे। अरे टाइम कितना स्लो जा रहा है, अभी भी आधा घंटा बाकी है। आप मेरी एक हेल्प करोगी? हाँ कहो। मान लीजिए कि आप वो हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब सिर्फ मानना। अब जो मैं उससे कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगी, प्लीज करवाएंगे। ओके
मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इतने दिनों तक तुम टालती रही पर आज आ गई। लेकिन तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझसे मजाक कर रही हो? लेकिन अब चाहे जो भी हो, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर एक बात तो पक्की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आई रियली लव यू। आई रियली लव सॉरी सॉरी। ये थोड़ा फिल्मी तो नहीं लग रहा ना? ठीक है ना? यस, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करेंगे? ओके थैंक्स। प्यार अंधा होता है ना, अब तुम लव स्टोरी देखो। नाराज हो गई क्योंकि उसने आपको देख लिया। तो फिर क्या, आप कहा फोन नहीं करेगी और फोन काट दिया? ओहो, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उसने मना किया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो डेफिनेटली मुझे फोन करेगी। चलिए, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें कॉल करेगी? अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती है तो वो फोन जरूर करेगी। होमी, ये सब क्या है? एग्जाम में बस एक हफ्ता रह गया है, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पढ़ाई क्यों करूं? वैसे भी मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। मैं यहाँ आया था बॉडीगार्ड बनकर, पढ़ाई करने और एग्जाम देने के लिए नहीं। लेकिन आप दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने मालिक को प्रॉमिस किया है। अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। अरे आप लोग एग्जाम क्यों नहीं देंगे?
तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो हम भी नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आपको एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा। तो अपना फोन अभी साइड में रखो और पढ़ाई करो। अभी अभी तो ये मजाक खत्म हुआ है, इसे वापस शुरू करने की गलती मत कर। तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या? अगर मैंने उसे फोन नहीं किया तो वो कभी एग्जाम में नहीं बैठेगा। सिर्फ एक बार फोन करने दो मुझे, मैं बस उसे एग्जाम देने के लिए मनाऊंगी, उसके बाद कभी फोन नहीं करूंगी। सच बोल रही हूँ। ए, इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम फोन नहीं करोगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एग्जाम है ना, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मीरा जी भी बहुत नाराज थी। एग्जाम नहीं दे रही हो क्यों? एक बात सुन लो, अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा। तुम्हें फोन किया ना मैंने, अब ठीक से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से पास हो और मैं तुमसे मिलूंगी। इस बार मुझसे मिलोगी ना? नहीं, जरूर मिलूंगी। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। यस। उसका फोन आया था। सच में? क्या? मैंने कहा था ना वो फोन करेगी। सच्चा प्यार करती है, प्यार की कसम। अगर एग्जाम ठीक से दिए तो उसने मिलने का वादा किया है। फोन आ गया बॉस, इस बार फोन नंबर और फोटो मांगना मत भूलना। हाँ। हे, हाय। हाँ, बोलो। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो मैंने ठीक से दे दिया, पर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इतना सन्नाटा क्यों? मिलोगी ना? नहीं, नहीं आ पाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे सामने आना नहीं चाहती? बहुत सारी रुकावटें। देखो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे मिलना ही होगा। अगर मैं आ गई तो वापस नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले जाना होगा। कोई नया मजाक है क्या? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मुझे साथ ले चलोगे क्या? तुम आओगी तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। जरा सोच कर बोलो, मेरे पापा कोई आम आदमी नहीं है। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बिना जाने मुझे? चाहे तुम गोरी हो चाहे काली हो, अगर तुम चाहोगे तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कल सुबह तुम रेलवे स्टेशन पर पहुँचना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओनो, भूल गया, दरअसल कल सुबह मुझे मीरा जी को उनके घर छोड़ने जाना होगा। अगर तुम मीरा को छोड़ने गए तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं मिलोगी? मेरे घर वाले तब तक मुझे अपने घर ले जाएंगे। तो फिर मैं मीरा जी से पूछ लेता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रास्ते में मैं अपने माता पिता को ये बात बता सकता हूँ? उन्हें मत बताना, ये तो मेरे लोगों को पता चल जाएगा। मैं सुबह यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें फोन करूंगी। ओके, गुड नाइट। मीरा जी,
दरवाजा खोलिए। मीरा जी, अभी उसका फोन आया था। उसने कल सुबह मुझे बुलाया है। उसने कहा कि उसके घर वालों के आने से पहले वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो फिर तुमने क्या कहा? आ रहा हूं। तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर उसके घर वालों ने मारा पीटा तो? मैं किसी से क्यों डरूं? पूरा शहर मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे मालिक मेरे साथ हैं। आज के बाद तुम लोगों को शायद मेरे बिना ही काम चलाना पड़ेगा, इसलिए कल आप और मधु काला बॉन्ड के साथ अपने घर चली जाएंगी ना? ठीक है। ओके, थैंक्स। आप दोनों मेरी खुशियों के लिए ईश्वर से थोड़ी प्रार्थना कर देना। मीरा, तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। तुमने बस अपने बारे में नहीं सोचा, इसमें उसका भी भला है। तुम बेफिक्र रहो, मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा जब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर नहीं चले जाते। क्या तुम निकल गए? नहीं, अभी नहीं, बस घर के बाहर हूँ। क्या तुम निकल गई? तैयार हो रही हूँ। बस चलने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना था। शादी करोगे ना? ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, पर डर रही हूँ। मुझे देखने के बाद अगर तुम्हारे इरादे में जरा भी बदलाव आया तो ना तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और ना ही वापस आऊंगी। चलती ट्रेन की ऐसी बात मत करो। एक बार कहा ना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो फिर स्टेशन पहुंच कर फोन करती हूँ। तुम किसी दूर जाने वाली आखिरी ट्रेन में दो टिकट लेकर किसी भी बोगी में बैठ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुमने कहा था तुम्हें अपने माता पिता से मिलना है, तुम उन्हें किसी स्टेशन पर बुला लो, मिलकर निकलेंगे। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बुला लूंगा। मैं ट्रेन में तो जरूर बैठ जाऊंगा, पर अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना ये मेरा आखिरी सफर होगा। सुनिए जी, उस बॉडीगार्ड ने हमें धोखा दिया है। उसने हमारे विश्वास को तोड़ा है। वो हमारी मीरा को लेकर भागने का प्लान बना रहा है। देविका, तुम जानती हो कि वो हमारे परिवार की बहुत इज्जत करता है। उसके जैसा वफादार आदमी मिलना मुश्किल है। वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं धोखेबाजों को माफ नहीं करता। आप समझ के लिए, ये हमारी बेटी का मामला है। पारो ने अभी मुझे फोन करके बताया, उसने खुद इन दोनों को बातें करते सुना है। बोले ना, तुम अभी कहाँ हो? वो बस टोलना का क्रॉस किया। रास्ते में बिना रुके सीधे यहाँ आओ। समझ गया, ठीक।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे वहां जाने से पहले आपको बता देना चाहिए था। इस गलती के लिए मुझे मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूँ? पापा, उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं है। पापा मेरी बात सुन। चुप, ले जाओ उसे। भैया, देखो, मम्मी, भैया। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मालिक, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जी सही सलामत है मालिक, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मैंने उन्हें बचा लिया। पापा, इसकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। ये एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की ट्रेन से आने वाली थी और उससे मिलने स्टेशन पर गया था, तभी मुझे अकेला छोड़कर गया, इसकी गलती नहीं है। हाँ ये सच है, वो रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो। हाँ पापा प्लीज, ये जो कह रहा वो सब सच है, इसे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है जाओ पापा, पर तुम जाओ। मैं चलता हूं मालिक। मीरा जी, मैं जा रहा हूं। थैंक्स। जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, और उसके इन आखिरी पलों में अगर मैं ट्रेन में वक्त पर ना पहुंचती तो न जाने। सिद्धार्थ, दादी, अभी 2 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तब तक अपना सारा सामान रेडी कर। बगल के कैबिन में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ओके दादी। मम्मी आपको जितना चाहती थी आप भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं देखता तो वो मेरी धड़कन जैसी थी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी श्रीनगर न जाऊं, पर तुम्हारी वहां जाने की जिद की वजह से मुझे ये कहा था। थैंक यू डैडी। आइए 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 आइए। सफर तो ठीक रहा ना? छोटा राजकुमार कहाँ है? तुम्हारा ही तो इंतजार था बेटा। आइए ना। मालिक देखिए कौन आया है। तू आ गया मालिक। मालिक आप लेट रही है, बैठ आ जाओ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? तुम्हारी नई पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में है ना, तुम्हारे जाने से पहले तुमसे मिलना चाह रहा था इसलिए यहां बुलाया। तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी, मैंने परेशान तो नहीं किया ना? मालिक आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए ना। मुझे लगा था कि आते ही तुम मीरा के बारे में पूछोगे, लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। कैसी है वो मीरा जी? लंदन में ही रहती है ना? वहां पर कहां? मीरा बेटी तो
यहीं रहती है। यहीं रहती है? मुझे तो लगा था कि वो चली गई होंगी। मीरा जी, मीरा जी, मी लंदन से कब आए? पति और बच्चे भी साथ आए हैं। कहाँ हैं? कहीं बाहर गए? मीरा ने अब तक शादी नहीं की। मीरा जी ने शादी नहीं की? क्यों? मीरा जी, अरे मैं हमेशा अपनी बीवी से ये बात कहता था कि मीरा जी से जो भी लड़का शादी करेगा वो बहुत ही किस्मत वाला होगा। मैं उस भले इंसान को ढूंढ नहीं पाया और जब इसने ढूंढा तो मैं उसे मिला नहीं पाया। शायद मैं ही उसे पहचान ना सका। ये क्या मीरा जी, आपकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। कम से कम तुम्हारा बेटा भी आने वाला था ना, कहाँ है? दिख नहीं रहा। ओह सॉरी। सिद्धार्थ, सिद्धू, सिद्धू, जानते हो ये कौन है? ये है तुम्हारी मीरा आंटी। बेचारी मीरा, उस दिन जब मीरा ने मुझे ट्रेन में तेरे डैडी के पास भेजा तब उसने नहीं सोचा होगा कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब मेरी बात मानिए, मैं सच कह रही हूं, आप उसे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है जाओ। पर पापा, तुम जाओ। आप उसे जाने दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है पता चल जाएगा। पप्पू जी, उसके पीछे जाओ। ट्रेन में अगर कोई लड़की दिखे तो छोड़ देना और ना दिखे तो मार दो। ठीक है। अच्छा किया जो तू आ गई, वो मुझसे भी पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा किया जो तुमने कुछ नहीं बताया। अब सुन, तुझे मेरी एक और मदद करनी होगी। तू जल्दी से स्टेशन जा और उससे मिल और कह कि क्या मैं? हाँ तू। पापा ने स्टेशन पर गुंडे ये कहकर भेजे हैं कि अगर भूमि के साथ कोई लड़की ना दिखे तो वो उसे मार देंगे। भूमि को जाकर सब सच बता देना और उसे फोन की बात भी बता देना। उससे कह देना कि उसे फोन करने वाली लड़की मैं थी। उससे कहना कि लौटने के बाद वो मुझसे झगड़ा ना करे और उससे ये भी कहना कि वो जब भी लौटने का मैं उसका इंतजार करूंगी। अगर मैं कहूंगी तो क्या वो मान लेगा? और कोई रास्ता नहीं है मधु, और भूमि के पास तो उसका फोन भी नहीं है। तेरे पास तेरा फोन है ना, मैं उस पर कॉल करूंगी और उसे सब सच बता दूंगी। मधु अब तुम जाओ यहाँ से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है। हेलो, इसके बाद और कोई ट्रेन नहीं है, ये लास्ट ट्रेन है। Thank you.
दोस्ती का फर्ज निभाने के बजाय उसे धोखा दिया, वो भी मीरा जैसी दोस्त। तेरे डैडी जैसे पति किस्मत वाली लड़की को ही मिलते हैं, और इसीलिए मेरे कदम भी डगमगा गए। और मैं तेरी डैडी को एक ऐसी जगह ले आई जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। उन दोनों को दिए धोखे की सजा मुझे इस जानलेवा बीमारी के रूप में मिली। तेरे डैडी ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर शायद वो प्यार मेरे नसीब में बस कुछ ही वक्त के लिए था। तेरी मम्मी की ये डायरी तुझे तब मिलेगी जब मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी होगी। याद रखना, ये डायरी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। इसे पढ़कर फेंक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तेरे डैडी मुझसे नफरत करे। सिद्धार्थ? यस? अरे तुम अब तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। सिद्धार्थ तुम रो रहे थे। नहीं तो? झूठ मत बोलो, तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोल पाते और तुम्हें भी झूठ बोलना नहीं आता। क्यों रो रहे थे? मम्मी की याद आ रही थी। सो जाओ, तुम्हें नींद आने तक आंटी तुम्हारे पास रहेगी। आंटी, आप मेरी मम्मी पे गुस्सा हो क्या? गुस्सा? किसलिए? मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उसे जाने के बाद मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। मुझे बस ऐसी बात का अफसोस है। आप मेरी मम्मी को माफ कर देंगे ना? तुझे और तेरे बेटे को देखने के लिए और तुझसे माफी मांगने के लिए मैंने तुझे यहां बुलाया था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगली बार जब मैं आऊं तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं। मीरा जी। बेटा चलो जाओ, मीरा आंटी को बाय बोल कर आओ। अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलने दोबारा जरूर आओगे। क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? हाँ जरूर बुला सकती हूँ। आप हमारे साथ मेरी मम्मी बनकर चलिए। सॉरी बोलो, मुंह क्या देख रहे हो? चलो सॉरी बोलो। नहीं मांगूंगा। सिद्धार्थ, सॉरी मीरा जी, माफ कीजिए मालिक, आज से पहले कभी इसने ऐसी बदतमीजी नहीं की। पता नहीं आज अचानक इसे क्या हो गया। सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा मीरा जी। मैं उस बच्चे को जो अच्छा लगा उसने बोल दिया, तुम्हारी तरह उसका भी मन साफ है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। जो मैं कहना चाहता था सिद्धार्थ ने कह दिया। मैं भी अपनी बिटिया की शादी का पुण्य कमाना चाहता हूं। तुम उसे ले जाओ। मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? पर मीरा जी के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन मैं आपका कान नहीं डाल सकता, पर सर आप मीरा जी, मालिक ने जो कहा मैं वो कैसे, क्या आप रवाना होने के लिए।
सिद्धार्थ कहाँ गया? वो तो आप ही के साथ शायद वो कुछ खरीद रहा होगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। कहाँ चले गए थे? टॉयलेट गया था। टॉयलेट तो ट्रेन में भी है ना? इसे ले जाइए। यस सर।